एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लोग रिएक्शन देने वाले हैं MS धोनी की वीडियो पर और ये है इसका टाइटल इंसेन विकेट कीपिंग स्किल्स। सो इस पर आज हम लोग रिएक्शन देंगे। और MS धोनी जो कि इंडियन क्रिकेटर भी हैं और इन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किए हैं अपनी लाइफ में, क्रिकेट की जो कैरियर है उसमें। सो क्रिकेट के कैरियर में इन्होंने बहुत ही अच्छी एक जो है एफर्ट दिखाई है और इनको ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। सो बिना देरी किए चलते हैं हमने इस वीडियो की तरफ और उसके बाद फिर रिएक्शन देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Thank you.
बेस्ट कैप्टन, विकेट कीपर, फील्डर एंड द बेस्ट बैट्समैन. तारीफ की जाए उतना ही कम है. लिटरली आप ना सिर्फ एम एस धोनी एक विकेट कीपर है बल्कि ये कैप्टन भी हैं. बहुत ही अच्छे कैप्टन हैं अपनी टीम के. कैप्टन होने के नाते भी ये फेमस है दुनिया में. और ना सिर्फ कैप्टन बल्कि विकेट कीपर, बेस्ट बैटमैन एंड बॉलर, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में ये इतने परफेक्ट हैं. इवन दो इनके पूरी दुनिया में फैन है. सो अगर हम बात कर लें वर्ल्ड कप की, जो वर्ल्ड कप जीता गया था वो एम एस धोनी के अंडर में जीता गया था. और कितना मुश्किल था उनके सामने जो टीम खड़ी हुई थी. सो उनके सामने वर्ल्ड कप जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया था. इवन दो जितने भी इंटरनेशनल लेवल के, ग्लोबल लेवल के जितने भी जो ट्रॉफीज़ वगैरह कब जीते हैं उसके पीछे खड़े हैं हमेशा. और मेरे बाबा थे तो उनके साथ मैं बहुत शौक से देखती थी. और इवन दो हम लोगों को धोनी भी बहुत पसंद है, सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, और विराट कोहली तो वो भी अच्छे हैं. क्योंकि इन तीन क्रिकेटर का नाम जो है ना वो मैं काफ़ी टाइम से सुनती आ रही हूँ. इनकी विकेट कीपिंग मुझे बहुत पसंद है. इवन इतने एक्टिव होते हैं विकेट कीपिंग में कि क्या कहें. विकेट कीपिंग में लाइक बस इनको मूवमेंट की ज़रूरत होती है कि एक इंसान मूव करे और बस ये आउट कर दें उसको. सो इस तरह का इनका ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा. और इवन दो अगर बात कर लें एम एस धोनी की, तो इनकी जो कैप्टेंसी में जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि इनके आगे 350, 400, 500 जितने भी रन हो ना उनको ये चीज़ करने में इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती. बिकॉज ये दिन रात मेहनत जो करते हैं और हर तरह से स्ट्रगल करते हैं, अपनी बैटिंग से ना सबको पीछे छोड़ देते हैं. और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ये दोनों ही इजीली अपना जितना भी टारगेट दे दिया जाए ना इनको 500, 300, 400 ये इजीली चेज कर लेते हैं. सो नो डाउट इनकी जो बैटिंग है और इंडिया की जितनी भी पूरी टीम है ओवरऑल बहुत अच्छी है क्रिकेट में और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. बिकॉज वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. इवन तो उनकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है. और एम एस धोनी की जो जब जिस टीम के कैप्टन होते हैं ना तो वो टीम तो 100% जीतती है. बिकॉज एम एस धोनी को पता है कि कहाँ पर कौन से प्लेयर को भेजना है, कहाँ पर किस चीज़ के साथ करना है. इवन दो वो बॉलर्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं. इनके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है जो कि एम एस धोनी के नाम से है. और सुशांत सिंह राजपूत जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं, थे और रहेंगे हमेशा, और उन्होंने इसमें रोल किया था एम एस धोनी का. हम लोग जब मैच देख रहे होते हैं ना, जब हम वेट कर रहे होते हैं कि यार धोनी कब आएगा, धोनी आया ना तो उसने सबको ही धो देना है. सो इस तरह का होता है. और विराट कोहली का भी ये होता है कि जब विराट कोहली आ जाता है ना तो हम सोचते हैं कि यार अब तो कोई नहीं बचने वाला. सो ये तो गेम इनके हाथ में आ गया क्योंकि ये दोनों ही बेस्ट प्लेयर हैं. और सचिन तेंदुलकर भी बहुत अच्छे हैं. मुझे ये तीनों ही जो क्रिकेटर हैं इंडिया के बहुत ही पसंद है. इवन दो देखें क्रिकेट जो खेलते हैं ना, क्रिकेट
जिसको पसंद है वो लोग हमेशा ये चीज देखते हैं कि क्रिकेटर कितना अच्छा है, वो ये नहीं देखता कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है या कहाँ से बिलोंग करता है. मुझे लिटरली बहुत पसंद है और इवन दो पाकिस्तान में इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है. अभी तो रिटायर हो चुके हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है अपनी रिटायरमेंट की. सो आई होप कि IPL वगैरह में ही कर अभी भी खेल रहे हैं. सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो. आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं हूँ साहिबा पीरज़ादा फ्रॉम कराची पाकिस्तान. बाय बाय.